नमस्कार, मैं एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। जैसा कि अभी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस हमारा जो चल रहा था, जो कर रहे थे, ये हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी की बुक का जो है डिस्कशन चल रहा था। जैसा कि अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट विटामिन, तो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन पे जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे, आज हम जो डिस्कस करेंगे फैट, फैट के बारे में, व्हाट इज मींस बाय फैट, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फैट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, एंड व्हाट इज द एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड फंक्शन ऑफ फैट्स एंड सोर्स ऑफ फैट एंड डिजीज रिलेटेड टू फैट इनटेक। फैट ज्यादा लेने से क्या क्या बीमारियां हो जाती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फैट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज मींस बाय फैट। फैट्स आर हाइड्रोकार्बन्स कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, जो कि बनते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। फैट्स आर सॉलिड एट 20 सेंटीग्रेड। फैट जो है, जो उसका 20 बिलो 20 जो टेम्परेचर होगा उस पर जो है सॉलिड हो जाता है, अदरवाइज वो ऑयल के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में रहता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, दे आर लिक्विड्स, दे आर कॉल्ड ऑयल्स, है ना। तो उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फैट। तो सबसे पहले क्या होता है, सिंपल लिपिड्स जो ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, जिसका एग्जांपल है। सेकंड नंबर है कंपाउंड लिपिड्स। सेकंड नंबर हम देखेंगे कंपाउंड लिपिड्स, एग्जाम्पल इज फॉस्फोलिपिड्स। एंड थर्ड नंबर जी ड्राइव लिपिड, एग्जाम्पल इज कोलेस्ट्रॉल। और उसके बाद हम बात करेंगे फैटी एसिड्स क्या होता है। ऑन हाइड्रोलिसिस फैट यील्ड्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स आर क्लासिफाइड एज सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन कौन से होते हैं, कुछ एग्जांपल हमने दिए हैं, लूरिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड एंड पल्मिटिक एसिड, तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो है विच मे बी मोनो अनसैचुरेटेड, एग्जाम्पल ओलिक एसिड, और पॉली अनसैचुरेटेड, एग्जाम्पल लाइनोलिक एसिड। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसमें एनिमल फैट कंटेंस सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स मोस्टली कंटेंस पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो कहने मतलब है जो एनिमल से प्राप्त होता है वो जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और जो सब्जी और वेजिटेबल से प्राप्त होता है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। उसके बाद हम बात करेंगे एसेंशियल फैटी एसिड्स, दे आर फैटी एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। फैटी एसिड जो है बॉडी से सिंथेसाइज नहीं होते हैं, दे आर ड्राइव्ड ओनली फ्रॉम फूड, और ये फूड से हमें प्राप्त होते हैं। दी एसेंशियल फैटी एसिड्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ, और ये जो है ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक हैं, जो कि हैं आर लेनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड एर्चिडोनोलिक एसिड। तीन तरह के एसिड जैसा कि हमने बताया है, लिनोलिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड एंड एराचिडोनिक एसिड, दीज आर एसेंशियल फैटी एसिड। फिर उसके बाद एसेंशियल फैटी एसिड्स दे प्रोवाइड एनर्जी 9 कैलोरी पर ग्राम। नंबर दो, व्हीकल्स फॉर द फैट सॉल्युबल विटामिन। एसेंशियल फैटी एसिड जो होते हैं विटामिन फैट सॉल्युबल जो होते हैं वो ए डी ई एंड के होते हैं। दे प्रोवाइड सपोर्ट टू विसरा लाइक हार्ट एंड किडनी एंड इंटेस्टाइन। हाँ, नंबर चार हम देखेंगे फैट बीनीथ The skin provides insulation against cold. Number 5, they are rich source of essential fatty acids. अब हम बात करेंगे source of fats. Source क्या है? The dietary source of fat are classified. एक तो animal source of fat are meat, fish, egg, milk, घी and butter. जो कि एनिमल से जो हमें फैटी एसिड प्राप्त होते हैं वो मीट से, फिश से, एग से, मिल्क से, घी से और बटर से, जो कि एनिमल मिल्क से बटर बनता है। वेजिटेबल सोर्स हैं, दे आर वेजिटेबल ऑयल्स ऑब्टेंड फ्रॉम ग्राउंडनट, मूंगफली के तेल से, सीसम ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। एंड अदर सोर्स में हम देखेंगे नंबर 3, द
तो मिन्यूट क्वांटिटी ऑफ फैट आर फाउंड इन अदर फूड सच एज सीरियल्स से कुछ प्राप्त होता है, पल्सेस से भी हमें फैटी फैट प्राप्त होता है, नट्स एंड वेजिटेबल्स, दिस फैट इज कॉल्ड इनविजिबल, इनका जो है ये इनविजिबल होते हैं। डिजीज रिलेटेड टू फैट इनटेक, बहुत ज्यादा जो फैट आदमी ले सकता ले लेता है या खा लेता है तो जो है उसको ओबेसिटी, मोटापे की एक तरह से बीमारी हो जाती है। तो एक्सेस ऑफ फैट इनटेक कैन लीड टू ओबेसिटी एंड करोनरी हार्ट डिजीज उसको हो जाती है। इसमें क्या होता है, करोनरी जो है जो वेन्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, करोनरी हार्ट डिजीज बीमारी हो जाती है, एंड कैंसर ऑफ ब्रेस्ट हो जाता है, एंड कोलन, ब्रेस्ट और कोलन में कैंसर भी हो जाता है बहुत ज्यादा फैट खाने से। एंड डाइट डिफिशियंट इन इसेंशियल फैटी एसिड कैन प्रोवाइड ड्राई एंड रफ स्किन, और बहुत ज्यादा फैट बॉडी में हो जाने से स्किन रफ और ड्राई हो जाती है, जिसको फिरिनोडर्मा भी कहते हैं, एंड आल्सो स्किन लीजन्स ऑफ क्वास्कोर, विटामिन फैट ज्यादा होने से क्वास्कोर भी हो जाता है। जो डेली मनुष्य को फैट चाहिए तो फैट रिक्वायरमेंट, फैट इनटेक शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ टोटल एनर्जी इनटेक, जो भी हम बॉडी में भोजन प्राप्त करते हैं उसमें 20% से ज्यादा जो है फैट नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ हम विराम देंगे, आज ये हमने बात किया था, डिस्कस किया था फैट के बारे में। किसी तरह की क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करिए, हम आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए, नमस्कार।